हम सब अपनी फसल से अच्छी उपज ले पाए, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम फसल को रोग बीमारियों से बचा कर रखें। फसल में रोग लगने का एक प्रमुख कारण होता है उन पर फफूंद का लगना। आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जो फफूंदी नाशक तो है ही, साथ ही बहुत ही सस्ता और सरल उपाय है। हमारा नाम बीना देवी लागो और हम गेतलसूद से बोलत हियो। जानिस ना दीदी, हमारे फसल में नहीं फफूंद लग जाए तो और हमारे फसल नष्ट होते जाता हो, तो एक दीदी बता लो ने कि तय फसल फफूंद नाशक जैविक दवाई बना इसलान। दीदी एक बार हमारे खेत के आए के तय देख ले। देखिन दीदी, हमारे खेत में इस तरह से फफूंद लग जाए। ठीक है दीदी, तोर फसल के हम देख ले हियो, तोर फसल में फफूंदी लग जाए थो। ठीक दीदी, कल तो आओ, हम बगल वाला गांव में ही रहियो ला, तो के कल दवाई बना के बताबो। ठीक दीदी, तब कल आबो। हाँ ठीक। दीदी तब अब बनाए शुरू करिए ला। तो का का सामान लगता? 6 लीटर खट्टा मठा घोल 3 दिन पुराना, और 100 लीटर पानी, 1 ठो डंटा और 1 एकड़ जमीन में छिड़काव कर ली दवा तैयार हो जाऊला। ये दे दीदी 3 दिन पुराना 6 लीटर माठा। देखी दीदी, इकर में 100 लीटर पानी डालत है, इकर में 3 दिन पुराना माठा 6 लीटर मिला भाई। अच्छा दीदी, अभी के डंटा से अच्छा तरह से मिला दे भाई। अच्छा दीदी ठीक, अभी के 1 एकड़ में डाल सकते हो? हाँ। इकर में फसल में कोई नुकसान नहीं? कोई नुकसान नहीं होता है। ले दीदी, अभी तैयार हो गए, अभी के ले के तो अपन खेत में छिड़काव कर सकिस ला। खट्टा मठा घोल घर में बनाए वाला प्राकृतिक जैविक कीटनाशक दवाई लागे। ये दवाई अनेक प्रकार करके फफूंद से तुहिन कर खेत के बचाव करे, और ये दवाई के जे दिन बनाई ला वही दिन छिड़काव करके ख़त्म करना है, और ये दवाई के फसल में लगाए से दूसरा खेत कर बीमारी आवे से बचाव करेला। यह ले दवाई के सब्जी कर सब फसल में एक प्रयोग कर सकीला। धन्यवाद, जोहार। तो देखा आपने कि कैसे बीना दीदी ने दूसरी किसान दीदी और AKS दीदी के सहयोग से अपने फसल को नुकसान से बचा लिया। इसी प्रकार आप सभी किसान दीदी और दादा एक दूसरे के सहयोग से अपने खेती बाड़ी से जुड़ी समस्याओं को आसानी से हल कर सकते हैं।